सो हेलो गाइस, कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, फिट होंगे। सो आपके लिए मैं एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे सामने खड़ी है यामा की FZS वर्जन 4, जो कि DLX वेरिएंट है, जो कि न्यू कलर में आई है, रेसिंग ब्लू। तो आइए जानते हैं क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या प्राइस है, क्या अपडेट हुई है। सो सबसे पहले मैं की से स्टार्ट करूँगा। सो की आपको ऐसा कुछ बेसिक सा मिल जाता है की, और एक बार मैं इग्निशन ऑन करके दिखा देता हूँ आपको कैसे इसकी DRS चलती है। सो आप जैसे इग्निशन ऑन करेंगे तो आपको ऐसा DRS मिल जाएगा साइड साइड में, वो काफ़ी अच्छी दिख रही है। बात करें हेडलाइट की, तो आपको इसमें फुल्ली LED मिल जाती है देखने को, हाई बीम और लो बीम, जो कि रिफ्लेक्टर बेस है। और साइड साइड में आपको बॉडी कलर पैनल मिल जाएंगे। और फ्रंट की लुक की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 3D में यामा की लोगो मिल जाएगी, और ऐसा कुछ आपको फिनिश मिलता है। इंडिकेटर आपको LED में मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी है, यामा ने अपडेट कर दी है। और यहाँ पर आप नंबर प्लेट अटैच कर सकते हैं, और ऐसा कुछ फ्रंट से लुक मिलेगा आपको। और वहीं बात करूँ फ्रंट मडगार्ड की, तो आपको मैट फिनिश और ग्लॉसी ब्लैक में मिलने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ग्लॉसी मिल जाती है, यहाँ पे आपको मैट मिल जाती है। और फ्रंट सस्पेंशन की बात करूँ तो आपको टेलीस्कोपिक मिल जाती है, जिसमें यामा की ब्रांडिंग मिलने वाली है आपको। और वहीं बात करूँ ब्रेक की, तो इसमें आपको 282mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी है, और सिंगल चैनल ABS के साथ आने वाली है ये। और बाइब्रेक के कैलिपर मिल जाते हैं। और अलॉय की बात करूँ तो आपको रेसिंग ब्लू में मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी है। और टायर की साइज़ की बात करूँ तो आपको देखने को मिल जाती है 100 सेक्शन की 180/17 इंच, जो कि काफ़ी अच्छी दिख रही है इस बाइक पे। और पूरी लुक की बात करूँ तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिल जाता है साइड लुक। और टैंक की बात करूँ तो काफ़ी मस्कुलर सा आपको टैंक मिल जाता है देखने को। यहाँ पे FZS की 3D में आपको लोगो मिल जाती है, यहाँ पे आपको वर्जन 4 की मिल जाती है स्टीकर में। और यहाँ पे आपको साइड में फेक एयरवेंट्स मिल जाते हैं, और साइड में आपको क्रोम एलिमेंट्स मिलते हैं, जो कि काफ़ी प्रीमियम फील करा रही है बाइक। और यहाँ पे आपको 3D में यामा की लोगो मिल जाती है, और टैंक डुअल फिनिश में मिलती है, मैट ब्लैक और ब्लू में। और टैंक की साइज़ की बात करूँ तो आपको 13 लीटर्स की मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी है। और वहीं बात करूँ माइलेज की, तो आपको 50 से 55 की माइलेज मिल जाती है, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी है इस बाइक के हिसाब से। और ऐसा कुछ आपको साइड में मैट फिनिश मिल जाता है, और यहाँ पर ग्लॉसी मिल जाती है, और साइड पैनल में आपको ग्लॉसी फिनिश मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करती है बाइक में। और वहीं बात करें इंजन की, तो आपको 149cc एयर कूल 4-stroke 2-valve इंजन मिल जाता है, जो कि काफ़ी रिलायबल और ट्रस्टेड इंजन है। और वहीं बात करूँ मैक्सिमम पावर की, तो आपको 12.2 BHP का मिल जाता है एट 7,250 RPM पे। और मैक्सिमम टॉर्क की बात करो तो आपको 13.3 Nm का मिल जाता है, जो कि 6,000 RPM पे डिलीवर करती है, जो कि काफ़ी अच्छी है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करो, आपको 165 mm की मिल जाती है, जो कि इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से काफ़ी सही है। और काउल की बात करूँ मैं इंजन काउल की, तो आपको ग्लॉसी रहने वाली है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ऐसा कुछ आपको साइलेंसर मिल जाता है, और यहाँ पे आपको सेंटर स्टैंड का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है अगेन। और यहाँ पे आपको फ्रंट फुटरेस्ट मिल जाती है कुछ, और ऐसा कुछ ब्रेक पैडल मिल जाता है, और ऐसा कुछ आपको साइड लुक मिलता है। और एग्जॉस्ट की बात करूँ तो आपको मैट फिनिश में मिल जाती है, मैट ब्लैक में, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक बार मैं एग्जॉस्ट नोट आपको सुना देता हूँ। सो कैसा लगा आपको एग्जॉस्ट का नोट, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसा कुछ आपको रेयर फुटरेस्ट मिल जाता है देखने को, यहाँ पे आपको ऑयल कंटेनर मिल जाता है डिस्प्ले के लिए। और रेयर टायर की साइज़ की बात करूँ तो आपको देखने को मिल जाती है 140/60R17 17 इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं, और इसमें आपको रेडियल टायर मिल जाता है, जो कि आपको कॉर्नरिंग और लीन में काफ़ी हेल्प कर देते हैं। और ऐसा कुछ आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है, जो कि बाइब्रेक्स की तरफ से आती है कैलिपरिंग की। और वहीं बात करूँ डिस्क की साइज़ की, तो आपको 220mm की मिल जाती है, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर आपको टायर हगर मिल जाता है मैट फिनिश में, साइड में कुछ ऐसा ग्रैब हैंडल मिल जाता है आपको, जो कि मैट फिनिश में रहने वाली है। और अब बात कर लेते हैं रेयर लुक की, तो रेयर में आपको LED मिलने वाली है। सो ऐसा कुछ आपको टेल लाइट का लुक मिलने वाला है, और इंडिकेटर्स आपको LED में, और ऐसा कुछ आपको हेलोजन में नंबर प्लेट लाइट मिल जाती है, यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिल जाती है, यहाँ पर आप नंबर प्लेट अटैच कर सकते हैं। और दूसरी साइड की लुक की बात करूँ तो आपको सेम मिल जाती है दूसरी साइड की, जैसे यहाँ पर आप सीट ओपन करने के लिए की होल मिल जाता है देखने को। और रेयर में आपको मोनोशॉक मिल जाती है देखने को, जो कि ब्लैक फिनिश में। और वहीं बात करें यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे साड़ी गार्ड मिल जाती है देखने को, और चेन आपको फुल्ली कवर्ड नहीं मिलती है, हाफ चेन कवर्ड मिलती है, यहाँ पे देख सकते हैं प्लास्टिक का एलिमेंट। और ऐसा कुछ आपको बॉक्स टाइप मिल जाता है स्विंग आर, और ऐसा कुछ रेयर फुटरेस्ट मिल जाता है, और यहाँ पर आपको फ्रंट फुटरेस्ट मिलने वाली है। और गियर्स की बात करूँ तो 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन में आने वाली है, जो कि काफ़ी स्मूथ है। और वहीं बात करूँ साइड स्टैंड में, तो आपको इंजन कट ऑफ फीचर मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी है, और ऐसा कुछ लुक मिलता है साइड से। और आप बात कर लेते हैं प्राइस की, तो आपको देखने को मिल जाती है 1,29,700 से शुरू हो जाती है, जो कि एक शोरूम दिल्ली है। आपको अगर प्राइस जानना हो आपके एरिया के हिसाब से, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और सीट हाइट की बात करूँ तो आपको देखने को मिल जाती है 790mm की, जो कि काफ़ी अच्छी है। और अब बात कर लेते हैं
मीटर की। मीटर पे जाने से पहले मैं बात करना चाहूँगा, यहाँ पे आपको E20 फ्यूल का स्टिकर मिल जाता है, यहाँ पे ब्लू कोर की स्टिकर मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं मीटर की, तो इसमें आपको फुल्ली डिजिटल मीटर मिल जाती है देखने को, ऐसा कुछ आपको वेलकम फीचर मिल जाता है। यहाँ पे आपको RPM मिल जाती है, यहाँ पे आपको किलोमीटर्स मिल जाती है, यहाँ पे आपको स्पीड मिल जाती है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है फ्यूल वॉच जो कि डिजिटल में, यहाँ पे आपको टाइम देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपको न्यूट्रल की लाइट मिल जाती है, यहाँ पे TCS की मिल जाती है ट्रैक्शन कंट्रोल की लाइट, यहाँ पे इंजन चेक लाइट मिल जाती है। और दूसरी साइड की बात करो तो आपको इंडिकेटर की मिल जाती है, यहाँ पे आपको हाई बीम लो बीम की मिल जाती है, यहाँ पे आपको ABS की मिल जाती है। और यहाँ से आप मीटर को एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप एवरेज देख सकते हैं, एवरेज रियल टाइम देख सकते हैं, यहाँ पे TCS ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पे ऑडो देख सकते हैं, यहाँ पे आपको रीसेट कर सकते हैं TCS। और ऐसा कुछ आपको स्विच गियर्स मिल जाता है जो कि हाई बीम लो बीम इंटीग्रेटेड मिल जाती है, 5 स्विच इसी में आपको मिल जाती है। और यहाँ पे इंडिकेटर की स्विच मिल जाती है, यहाँ पे हॉर्न मिल जाती है आपको देखने। और दूसरी साइड की बात करूँ तो आपको यहाँ पे इंजन किल स्विच मिल जाती है, और यहाँ पे आपको सेल्फ बटन मिल जाता है, ऐसा कुछ आपको ग्रिप मिलने वाली है। और क्लच की बात करूँ तो काफ़ी लाइट मिलती है आपको, सिटी में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली आपको। सो इसी टॉपिक के साथ वीडियो एंड करता हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।